प्रियंका की सक्रियता ने जब सरकार को घेरा तब अखिलेश मायावती को सताने लगा डर। वोट बैंक छिटकने के डर से सपा बसपा हुई बेहाल। प्रियंका ने मायावती अखिलेश को एक्टिव कर दिया। सियासत की उस जमीन पर नेताओं को जब अपने विरोधियों की तरह चलने के लिए मजबूर होना पड़े तो मानकर चलिए उनकी राजनीतिक सोच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सोनभद्र कांड पर सपा और बसपा के नेता अखिलेश और मायावती को आज उसी राह पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिस राजनीतिक राह पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सबसे पहले चली। अखिलेश और मायावती का सपा और बसपा के सोनभद्र की ओर रुख करते करते बहुत देर हो गई तो ये बात उठने लगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से उनके विरोधियों को सताने लगा है पिछड़ने का डर। आज इसी उम्मीद ने जीत की उम्मीद को बरकरार रखा मिशन 2022 पर फतह पाने के लिए। सपा और बसपा दोनों ही इस मुद्दे पर सहानुभूति को भुनाने देरी के बाद अब आए हैं। आनंद फानन में बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा और विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा की अगुवाई में जांच दल को सोनभद्र भेजने का फैसला किया। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को न्याय कूच के निर्देश दिए। दरअसल मामला आदिवासी और गरीबों से जुड़ा हुआ है लिहाजा विपक्ष सरकार को घेरने का मौका गंवाना नहीं चाहता। प्रियंका गांधी के एक्शन के बाद जिस तरह से सरकार बैकफुट पर नजर आई उसके बाद सपा बसपा आरएलडी और प्रसपा को भी लगने लगा कि उन्हें भी पीड़ितों के आंसू पोंछने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। इसके साथ ही सपा और बसपा को ये डर भी सताने लगा है कि कहीं उनके वोट बैंक उनसे छिटक न जाए। शायद अपनी इस देरी पर दोनों ही पार्टियों को पछतावा हो। आखिर 2022 विधानसभा चुनाव का सवाल है, कोई माने या न माने दोनों ही पार्टियों ने अपनी राजनीति के पेड़ की उसी टहनी पर कुल्हाड़ी मारी है जिस पर वो बैठे हैं। सपा और बसपा दोनों ही बीजेपी से मुकाबले में बने रहने की कोशिश में हैं। लेकिन जिस तरह से प्रियंका लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद सक्रिय हुई हैं, उससे दोनों ही दलों में चिंता साफ नजर आने लगी है। यही वजह है कि सोनभद्र कांड के कई दिन बाद अब दोनों ही दल मामले में एक्टिव नजर आने लगे हैं।